हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, मेरे पास एक मोबाइल है रियलमी C2, इसमें लॉक लगा हुआ है। तो इसको देखिए हम कैसे अनलॉक करेंगे, आपको बिना PC का अनलॉक करके दिखाएंगे रियलमी C2 को। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने आप पूरा देखें, उसका गूगल अकाउंट से लेकर सारा हम आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों, इसको पहले हमको बंद कर लेना है। देखिए हम बंद कर लिए और उसका हम आपको विदाउट PC अनलॉक करके दिखाएँगे। तो देखिए कैसे विदाउट PC अनलॉक होता है। तो दोस्तों, अब बंद होने के बाद हमें इसका पावर और वॉल्यूम बटन का माइनस नीचे वाला एक साथ दबा के रखना है और ऑन करना है। ऑन हो जाने के बाद जैसे रियल में लिखेगा पावर छोड़ देना है, माइनस बटन दबा के रखना है और यहाँ देखिए रिकवरी मोड लिख देगा, यहाँ रिकवरी मोड आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब रिकवरी मोड आएगा इसका और रिकवरी मोड चालू होगा। तो देखिए आप लोग दिखाते हैं रियल मी कैसे रियल मी C2 का लोग कैसे अनलॉक करें। देखिए यहाँ इंग्लिश आया, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमने इसमें बहुत सारा ऑप्शन आया था, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, ऑनलाइन अपडेट, वाइप डाटा, पावर ऑफ चेक डिवाइस। तो हम दोस्तों वाइप डाटा पर चेक करना है, क्योंकि वाइप डाटा। और यहाँ देखिए प्लीज इंटर वेरीफिकेशन कोड, इसमें दोस्तों पासवर्ड मांग रहा है, हम इसमें क्या पासवर्ड दें। देखिए दोस्तों, यहाँ इसका पासवर्ड लिखा हुआ है 6847। देखिए दोस्तों, जैसे ही 47 डाला इसमें आ गया। तो इसमें दोस्तों हम फॉर्मेट डाटा, पूरा डाटा हमको फॉर्मेट कर दिया। ओके कर दिए और देखिए मेरा फोन फॉर्मेट होने लगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका से आपको समझाते हैं रियलमी C2 मोबाइल का कैसे अनलॉक करेंगे, आप खुद से आराम से कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा परेशानी नहीं है। रियलमी C2 मोबाइल में अगर कोई लॉक फंस जाता है तो देखिए दोस्तों, और चालू होता है इसका पूरा, उसके बाद चालू सेटअप करके दिखाएंगे। इसमें गूगल अकाउंट भी फंसेगा, तो गूगल अकाउंट कैसे निकालना है तो 2 मिनट में आपको हम सारा समझा देंगे इसमें। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और आगे देखिए वीडियो में बिना स्किप किए हुए, और आपको पूरा पता लगेगा कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अब मेरा मोबाइल रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर यहाँ पे आप अगर वॉल्यूम पावर कुछ भी टच वगैरह करते हैं तो मोबाइल बंद हो जाएगा, तो मोबाइल आपका चालू नहीं होगा। फिर आपको मोबाइल सर्विस सेंटर या किसी सॉफ्टवेयर शॉप पर लेके जाना होगा। बस यहीं पर आराम से रुकना है जब तक उसमें देखिए मेरा फॉर्मेटिंग डाटा पार्टीशन सक्सेसफुल हो गया। ओके करेंगे और उसके बाद रिबूट कर देंगे। देखिए रिबूट हो गया ऑटोमेटिक और अपने आप फोन चालू होगा। पूरा चालू होने के बाद दोस्तों इसमें गूगल अकाउंट मांगेगा, और गूगल अकाउंट कैसे हटाना है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और देखिए इस वीडियो में भी चालू हो रहा है मोबाइल मेरा, सारा बताएंगे। चालू दोस्तों, मेरा मोबाइल अब चालू हो रहा है, इसको चालू होने देते हैं। और बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों हम समझाएं आपको, बहुत ही अच्छे तरीका समझ में आया होगा। और देखिए चालू हो रहा है मेरा फोन, जिसको अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो मेरा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे आपको, और मेरा मोबाइल हार्डवेयर वगैरह भी आपको देते रहेंगे, मोबाइल प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी अगर मोबाइल में प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करें, आपको हम सही सलाह देंगे और अपने मोबाइल को कैसे ठीक करें। अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे ठीक करें, और जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है दोस्तों वो खुद से भी ठीक कर सकते हैं, यानी जो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मिस्त्री के पास जाना ही पड़ेगा। बट जाइएगा, सही सलाह अगर रहेगा, सही जानकारी रहेगा तो आपको पैसा कम लगेगा, सही अगर नहीं जानकारी रहेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा आपको। तो इसीलिए दोस्तों, नहीं जानकारी रहने के कारण कुछ से कुछ पैसा आपको लग जाता है। तो मेरा फ़ोन चालू हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए, इसे चालू होने देते हैं। इसमें 10 मिनट का समय लेता है दोस्तों, 10 मिनट हम इसको वीडियो को स्किप कर देंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है हमको। देखिए दोस्तों, मेरा फ़ोन चालू हो गया है, मेरा फ़ोन चालू हो गया है। अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, अब इसमें हम लैंग्वेज अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, आपको हिंदी करना है तो हिंदी कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद देखिए दोस्तों, प्लीज़ इंसर्ट सिम, मेरा सिम मांग रहा है, और हम इसको यहाँ वाईफाई वगैरह हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद देखिए दोस्तों क्या मांग रहा है, टू प्रोटेक्ट योर फोन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू वाईफाई मोबाइल डाटा नेटवर्क टू ऑथेंटिकेशन। दोस्तों यहाँ मेरा मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, तो हमको इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा बैक जाना है। और देखिए यहाँ इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल में जाना है, और यहाँ देखिए दोस्तों स्टार हैच
स्टार हैच 813 हैच करना है। और देखिए मेरा ऑटोमेटिक होम स्क्रीन आ जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा FRP लॉक खुल गया है, ऑटोमेटिक मेरा देख सकते हैं FRP लॉक खुल गया है, मेरा होम स्क्रीन आ गया। देख सकते हैं दोस्तों मेरा होम स्क्रीन आ गया, मेरा FRP लॉक भी हट गया, अनलॉक भी हो गया फ़ोन। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपका काम हो गया हो मेरा वीडियो से। क्योंकि देखिए आपको इसका दिखा देते हैं Realme C2 RMX। धन्यवाद दोस्तों।